हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो समरसेबल को हम लोग बोरवेल में डालेंगे, तो समरसेबल को चलिए फिटिंग कर लेते हैं। और जितने भी भाई लोग सारे नए चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के एंड तक देखें, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करें। हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी तार को टेपिंग कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने मोटर में पानी डाल दिया है और इसके दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। तो अभी हम लोग पहले इसमें वाशर लगाएंगे, वाशर लगा के उसके बाद हम लोग इसमें नट लगाएंगे, तो इसको टाइट कर लेते हैं। अभी हाँ तो दोस्तों, अभी जो मोटर से हमारा जो तार निकला है, उस तार को हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं इस पट्टी से। तो अभी वो ही पट्टी टाइट कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। हाँ तो जैसे अब आप देख रहे हैं कि हम लोग जाली है, कि जाली को टाइट कर लेते हैं कि कचरा वगैरह अंदर ना जाए। हाँ तो जैसे हम लोगों का मोटर अब रेडी हो चुका है, तो अब इसको हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं डालने से पहले। तो मोटर हमारा रेडी हो चुका है, तो अब इसमें हम लोग कॉपर का तार बांध लेंगे और कॉपर के तार में रस्सी बांधेंगे, तो रस्सी बांध के नीचे झुलाएंगे। तो हाँ दोस्तों, हम लोगों का मोटर बिल्कुल रेडी हो चुका है बोरवेल में जाने के लिए। तो हम लोग कॉलम पाइप का यूज कर रहे हैं इसमें, तो चलिए दिखाते हैं इसमें को बोरवेल में डालते हैं। तो ये दोस्तों हमारा समरसेबुल अब बोरवेल में जा चुका है। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग हर पाइप के एंडिंग में ऐसे टेपिंग करेंगे वायर को, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अब आगे। तो 230 फीट पाइप डालेंगे, 250 फीट का बोरवेल है, तो ये कॉलम पाइप टाइट कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने 120 फुट पाइप डाल दिया है। तो अभी हम लोगों ने मोटर को टेस्ट किया है, तो ये सही चल रहा है। तो अब इसको हम लोग पूरा डालेंगे, क्योंकि चेक कर लेना बहुत सही होता है। हाँ तो अब टेस्टिंग के बाद जितने पाइप बचे हैं, तो उन लोगों को भी अब हम लोग डाल देंगे नीचे तक पूरा। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों का सारा पाइप डाल दिए हैं, तो अब एडेप्टर भी टाइट कर लिए हैं। तो अब लास्ट बचा है एक क्लैंप, तो क्लैंप टांग देंगे तो फिर हमारा समरसेबल का काम हो जाएगा पूरा। तो क्लैंप को भी टाइट कर लेते हैं।
हाँ तो अब हमारा क्लैंप भी टाइट हो चुका है, तो अब हम लोग रस्सी को जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है तो उसको क्लैंप में अच्छे से लपेट देंगे, जो हमारा सारा लोड क्लैंप ही पड़ा रहेगा। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने अभी मोटर को चेक कर लिया है, तो पानी भी सही आ रहा है, प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है। तो अब हम लोग इसको ऊपर टंकी पे सीधा ले जाएंगे, ऊपर टंकी में मेल करना है इसको। हाँ तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन मोटर से हो गया है, तो मोटर से हम लोग लाइन निकाल के 1 इंची का इसको छत के टंकी में ले जाके मिला देंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, और जितने भी नए भाई लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।